नमस्कार मित्रों, मैं सपना जैन आपका स्वागत करती हूँ एम विस्मयंस चैनल में। दोस्तों, आज हम अलंकार के विषय में जानेंगे, अलंकार किसे कहते हैं तथा अर्थ अलंकार के विषय में समझेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आगे आने वाली क्लास को आप मिस ना कर सकें। चलिए प्रारंभ करते हैं अलंकार। सबसे पहले अलंकार की परिभाषा को समझते हैं। तो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्मों को ही हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे अर्थ अलंकार के विषय में। तो जिससे अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है काव्य में, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ अलंकार कहते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार को। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण है संभावना उत्प्रेक्षा प्रकटस्य समेंस्यात्, अर्थात जहां प्रकट की अप्रकट के साथ संभावना की जाए वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आप सोच रहे होंगे प्रकट क्या है और अप्रकट क्या है। तो प्रकट को हम बोलते हैं उपमेय और अप्रकट को हम बोलते हैं उपमान। तो जहां उपमेय की उपमान के साथ संभावना की जाए वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें महत्वपूर्ण शब्द है जैसे मन्ने, संके, ध्रुवम, प्राह, नूनम, इति, इव, एव आदि शब्द के द्वारा यहाँ पर क्या है, व्यंजना की प्रतीति होती है, अर्थात चमत्कार उत्पन्न होता है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। लिम्पतीव तमो अंगानी वर्षतीव अंजनम नभा असत पुरसेव दृष्टि विफलताम गतः, अर्थात अंगों में अंधकार का लेप सा हो रहा है, आकाश से कागज की दृष्टि सी हो रही है और असत पुरुष की सेवा के समान दृष्टि भी विफल निष्फल हो गई है। यहाँ पर एव एवं एव के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार, जैसे लिम्पतीव तो एव हो जाएगा, यहाँ पर बरसतीव एव आ गया, पुरुषेव तो यहाँ पर एव के कारण क्या हो रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो रहा है। क्योंकि हमने अभी शब्द देखे हैं क्या क्या होंगे आपके, ध्रुवम, प्राह, नूनम, इति, एव, एव, तो यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग ज्यादा किया गया है, इस कारण से यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब चलते हैं हम संदेह अलंकार पर। तो संदेह अलंकार का लक्षण समझते हैं, संदेह प्रकटते अन्यस्य संशय प्रतिबोधितः उपमेय, अर्थात क्या हो जाएगा, उपमेय के विषय में उपमान की शंका, वो भी कैसी, यदि कवि कल्पित या कवि प्रतिभा से उत्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, संदेह अलंकार कहते हैं। मतलब यदि कवि चाहे और उसमें शंका उत्पन्न कर दे अपनी कवि प्रतिभा के कारण, तो उसमें क्या होता है आपका, संदेह अलंकार होता है। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कैसे, उसका उदाहरण अयम मार्तंड किम सा खलु दुर्गहि तप्ति भीरितः प्रसानु किम सर्वा प्रसर्ति दिशो नेशः नियत्यम कृतांत किम साक्षात महिष बहनो असा विति चिरम समालोक्याजौ त्वां विधति विकल्पां प्रति भटः। अर्थात यहाँ पर क्या है, यहाँ राजा उपमेय तथा सूर्य अग्नि यम उपमान है। राजा क्या है, उपमेय है और सूर्य अग्नि यम क्या है, उपमान है। तो इन उपमानों का राजा रूप उपमेय पर क्या कहा गया, संशय कवि कल्पित है, मतलब कवि की कल्पना के द्वारा किया गया है, इस कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, संदेह अलंकार हो जाएगा। अब चलते हैं हम भ्रांतिमान की ओर। अब भ्रांतिमान का लक्षण देखते हैं, साम्याद तस्मिद अंतर बुद्धि भ्रांतिमान प्रतिभा उचितः, अर्थात जब किसी वस्तु में उससे अन्य किसी समान वस्तु की बुद्धि भ्रांति कवि प्रतिभा से कर दी जाए, किससे, कवि प्रतिभा से कर दी जाए, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थात जहां पर भ्रम होता है तो भ्रम से ही क्या हो जाता है, भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। कैसे, उदाहरण से देखते हैं, महाराज श्रीमान जगदी यशसा ते धवलिते पयः पारावारम परम पुरुषो वयम मृग्यते का परदीम कैलासम करिवर वरम अथायम पुलसभूतम कलानाथ राहु कमल भवनो हंसम अधुनः भोजराज के। यहाँ पर अर्थात बताया गया है कि भोजराज के यश के द्वारा, जो भोजराज का यश है प्रशंसा कीर्ति है, उसके द्वारा संसार के श्वेत हो जाने पर सर्वत्र ही परम पुरुषादि को समुद्र कैलाश ऐरावत चंद्रमा तथा हंस का भ्रम हो गया है। राजा भोज के ये जो यश की कीर्ति है वह चारों कैसे सफेद
सभ्यता को लिए हुए और सर्वत्र व्याप्त है। इस कारण से यहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी स्वच्छता को देखकर समुद्र कैलाश ऐरावती सफेद होता चंद्रमा तथा हंस भी सफेद होता, तो ये भ्रम हो गया है कि मतलब उपमेय है कि उपमान है, तो दोनों में भ्रम होने के कारण ही उपमान उपमेय में यहाँ पर क्या हो गया, आपका भ्रांतिमान अलंकार हो गया। मित्रों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अलंकार से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।